भाई साहब, इस साल फिर से इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाली है, लोगों की जेब ढीली होने वाली है, वो भी बुरी तरीके से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल एंगल में मत ले जाना, उसका नंगा सच तो खैर हम सभी जानते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेमा की, क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऐसी धमाकेदार मूवीज आएंगी जिन पे लोग मजबूर होंगे बार बार जाने के लिए थिएटर हाउस में, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, चाहे जेब जितनी भी ढीली क्यों ना हो जाए, क्योंकि मूवी ही उस लेवल की आने वाली है। पहले कल की 2898 जो प्रभास के मेन लीड पर बनाई जाएगी, देन उसके बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल, एंड देवारा भाई साहब जूनियर एनटीआर की मोस्ट मोस्ट मच अवेटेड मूवी, एंड नाउ सूर्या चौथी, जो भाई साहब जिसके लिए एक छोटी सी छोटी अपडेट भी सोशल मीडिया पर तूफान ला रही है। खैर, इन चारों मूवी से रिलेटेड कोई भी छोटी सी छोटी अपडेट आती है भाई साहब, वो सोशल मीडिया पर तूफान लेकर आ रही है। कंगुआ का न्यू पोस्टर रिलीज आउट हुआ है और दमदार है, और न्यू पोस्टर डेडलिस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंफर्म हो चुका है भाई, मूवी के दो एस्पेक्ट, दो पहलू होने वाले हैं, मूवी की कहानी दो पड़ले पर चलने वाली है, और एक से रिलेटेड भाई साहब अभी तक टीजर वगैरह सब कुछ निकाल दिया गया है, वो पास्ट एरा से रिलेटेड, जहां पर वो जंगल बस्ती वाला वो पिछड़ा समय दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ मॉडर्न एरा से रिलेटेड हाईटेक फुल एडवांस वेपन से रिलेटेड वाला एरा दिखाया जाएगा, जिसमें दोनों पे मेन लीड पर भाई साहब रूल उन किंगडम्स को कौन करने वाला है, सूर्या, क्योंकि भाई पोस्टर से यही अंदाजा लग रहा है कि एक पास्ट से रिलेटेड कहानी होगी और एक न्यू मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से, एक प्रेजेंट और एक पास्ट का कॉम्बो देखने को मिलना है। तो भाई कहानी क्या हो सकती है यहाँ पर, भाई मेरी नज़र में, मेरे इन माय विजन दो पहलू हो सकते हैं या दो लेवल पर कहानी हो सकती है। एक तो ये कि सूर्या जो अपना है वो पास्ट किंगडम जो अपना रूल करेगा, वो जंगल बस्ती वाला जो भी हिसाब किताब वहाँ पर है, देन उसके बाद कोई छल कपट होगा, मर जाएगा, एंड न्यू जो मॉडर्न वर्ल्ड में वो जन्म लेगा, लेकिन भाई साहब किंगशिप और एटीट्यूड तो वही रहेगा ना, यहाँ पर वो चीज़ दोबारा से जनरेट होगी और वो सारा रूल वो दोबारा से इकट्ठा करेगा अपने मॉडर्न जमाने में, देन उसके बाद शायद ये कहानी हो सकती है। या फिर एक ही टाइम पर ये दोनों पीरियड भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर सूर्या ही शायद नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिल जाए, कौन सा वाला, मॉडर्न एरा वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं, बहुत सी ऐसी थ्योरीज देखी हैं, कहानीज देखी हैं, जहां पर भाई टाइम मशीन का रोल प्ले हो सकता है, कि जो मॉडर्न एरा वाला सूर्या हो उसे शायद ऐसा कुछ पता चले कि जो पास्ट में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो पास्ट वाला सूर्या रूल कर रहा है, जहाँ पर बॉबी देओल भी देखने को मिला है हमें वो वाले फर्स्ट टीजर में, तो हो सकता है उस पावरफुल चीज को अचीव करने के लिए उसे टाइम ट्रेवल करके वहां पर जाना मिले और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूर्या एक साथ हमें देखने को मिले, और शायद ये कहानी हो सकती। तो भाई दोनों में ऐसे कौन सी कहानी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं लग रहा। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पता है तो जरूर बता के जाना कि आखिर में कहानी क्या होने वाली है इस मूवी की तुम्हारे हिसाब किताब से। मेरी नज़र में भाई साहब इस नए पोस्टर को देखकर यही लग रहा है। तो क्या जो अभी अभी जो लेटेस्ट मतलब जो पास्ट टीजर आया था, क्या न्यू टीजर भी आ सकता है? जरूर आ सकता है, क्योंकि अगर ये चीज़ दो एरा को दिखाने वाले हैं जिससे रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड उन्होंने टीजर पहले ही निकाल दिया है, 57 या 58 सेकंड के आसपास था, तो मॉडर्न वाला भी टीजर हो सकता है ये लोग रिवील आउट करेंगे ही करेंगे। और भाई दो टीजर आएंगे, देन उसका ट्रेलर आएगा, तो इस मूवी की जो हाइप आप समझ रहे हो किस लेवल की होने वाली है। फिलहाल अभी भी जबरदस्त लेवल की हाइप ये मूवी अपने साथ में रख रही है, अनाउंस कर दिया है कि 2024 में ही ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी, मतलब इस साल के एंड तक कभी भी एक सुटेबल डेट को चुनकर ये लोग मूवी आउट कर देंगे, लेकिन किस महीने आएगी, क्या डेट है, ये अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं है। आपने न्यू पोस्टर देख लिया तो जरूर बता के जाना कि ये जो लड़ाई होने वाली है मॉडर्न सूर्या की एंड वो पास्ट सूर्या की, भाई साहब कौन जीत सकता है इसमें, या फिर इन दोनों के बीच में क्या राइवलरी होगी, या क्या कनेक्शन देखने को मिलेगा, क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, आपके हिसाब से जो भी हो जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।